बौद्ध दर्शन तीन मूल सिद्धांत पर आधारित माना गया है, अनिश्वरवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद। ये दर्शन पूरी तरह से यथार्थ में जीने की शिक्षा देता है। अनिश्वरवाद, बुद्ध ईश्वर की सत्ता नहीं मानते क्योंकि दुनिया प्रतित्य समुत्पाद के नियम पर चलती है। प्रतित्य समुत्पाद अर्थात कारण कार्य की श्रृंखला। इस श्रृंखला के कई चक्र हैं जिन्हें 12 अंगों में बांटा गया है। अतः इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है, न ही कोई उत्पत्ति करता, क्योंकि उत्पत्ति कहने से अंत का भान होता है, तब न कोई प्रारंभ है और न अंत। दूसरा, अनात्मवाद। अनात्मवाद का यह मतलब नहीं कि सच में ही आत्मा नहीं है। जिसे लोग आत्मा समझते हैं वो चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है। यह प्रवाह कभी भी बिखर कर जड़ से बुद्ध हो सकता है और कभी भी अंधकार में लीन हो सकता है। स्वयं के होने को जाने बगैर आत्मवान नहीं हुआ जा सकता। निर्वाण की अवस्था में ही स्वयं को जाना जा सकता है। मरने के बाद आत्मा महासुसुप्ति में खो जाती है। वह अनंत काल तक अंधकार में पड़ी रह सकती है या तक्षण ही दूसरा जन्म लेकर संसार के चक्र में फिर से शामिल हो सकती है। अतः आत्मा तब तक आत्मा नहीं जब तक कि बुद्धत्व घटित न हो। अतः जो जानकार है वे ही स्वयं के होने को पुख्ता करने के प्रति चिंतित है। क्षणिकवाद, इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है। ये शरीर और ब्रह्मांड उसी तरह है जैसे कि घोड़े, पहिए और पालकी के संगठित रूप को रथ कहते हैं, और इन्हें अलग करने से रथ का अस्तित्व नहीं माना जा सकता। उक्त तीन सिद्धांत पर आधारित ही बौद्ध दर्शन की रचना हुई। इन तीन सिद्धांतों पर आगे चलकर थेरवाद, वैभाषिक, स्वतांत्रिक, माध्यमिक शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद और स्वतंत्र योगाचार का दर्शन गढ़ा गया। इस तरह बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदायों के कुल 6 उप संप्रदाय बने। इन सब का केंद्रीय दर्शन रहा प्रतित्य समुत्पाद। धन्यवाद।